मेरे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए। फेसबुक पर देखते हैं तो उसको लाइक करना ना भूलें। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं राम मोहम्मद शेख पब्लिक चैनल से। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो कि एक घटना मीरा भाईंदर में हुई थी चार दिन पहले। वहां जो वहां पे महानगर पालिका था, वहां पर कुछ शिवसेना के जो ये नगर सेवक थे वहां पे तोड़ फोड़ की थी और काफी ज्यादा वहां की प्रॉपर्टी पे नुकसान भी पहुंचाया था। तो वहाँ के कुछ तस्वीरें हम आपको वहाँ की दिखा रहे हैं। दूसरी चीज है कि वहाँ के जो महापौर है महिला, उनका भी मैं कुछ बयान आपको दिखा रहा हूँ कि वो शिवसेना की तरफ से कुछ मांग कर रही है उद्धव ठाकरे से, और वहाँ के जो एमएलए है वहाँ उनसे भी कुछ मांग कर रही है। तो आइए सुनिए कि वहाँ की महापौर जो है वो क्या कह रही है और किस तरीके से मांग कर रही है। आज जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के स्थायी समिति के कैबिन में और मेरे महापौर दालन के यहाँ पे जो शिवसेना नगर सेवक और उनके कुछ कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे पूरा कैबिन तोड़ा है और अभद्र शब्द वापर के उन्होंने यहाँ पे तोड़फोड़ की है स्थायी समिति के कैबिन की भी और मेरे कैबिन की भी। ये कहाँ का न्याय है? मैं लोकशाही पद्धति से मैं यहाँ की प्रथम नागरिक महापौर हूँ और यहाँ के सभी जनता ने मुझे बनाया है ये महापौर, और यहाँ पे सभी मेरी नगर सेविका महिला मौजूद है। मैं सवाल ये करना चाहती हूँ मेरे माननीय उद्धव ठाकरे जी से और आमदार प्रताप सर नाइक जी से कि ये कहाँ का न्याय है? मैं महिला महापौर हूँ और यहाँ पे उन्होंने मेरे दालन में आके अभद्र शब्द का उपयोग किया है और गाली गलौज किया है, ये कौन सा न्याय है? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उनके घर में माँ बहन के सामने ऐसे ही शब्द वापरे जाते हैं? आइए देखिए उन्होंने कैसे शब्द वापरे हैं, कैसी तरह की गाली गलौज की है। क्या यही उनके संस्कार है? आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा, मेरा सवाल उद्धव ठाकरे जी से है। वो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, आज उनको मैं सवाल करती हूँ कि उन्होंने महिलाओं का कितना सम्मान किया है। आज वीडियो के माध्यम से उन्होंने देखा होगा उनके कार्यकर्ता और उनके नगर सेवक ने जो अभद्र शब्द वापरे हैं। अब मेरी परीक्षा नहीं, परीक्षा आपकी है कि आप कितना महिलाओं के समान आदर करते हैं, आप कितना महिलाओं को सम्मान देते हैं। वो आपसे मैं सवाल पूछूंगी और आप अब क्या आपके पक्ष के नेताओं के प्रताप सर नाइक आमदार जी हैं उनके ऊपर और उनके पूरी टीम पर क्या आप एक्शन करते हैं वो मैं देखना चाहती हूँ। और ये सवाल अब मैं आपसे पूछ रही हूँ तो आप इसका जवाब दीजिएगा। आज ये सभी महिलाएं यहाँ पे उपस्थित है और महिलाओं के सम्मान में अभी आप क्या दे रहे हैं वो हमें आंसर चाहिए।
निषेध है, महिलाओं के सम्मान में निषेध है। मैं राम मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।